क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो इस वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को रिवील करने वाला हूँ अपना बगान का बगीचा। बेसिकली ये व्लॉग बनाने का रीज़न ये है क्योंकि सुबह के मॉर्निंग के टाइम में मेरे पास से 1 से 2 घंटा सुबह का बच जाता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस 1 से 2 घंटे को मैं यूटिलाइज़ करूँ और साथ ही साथ इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। क्योंकि बाज़ार में आप लोगों को जो भी सब्ज़ियाँ मिलते हैं, वो जितने भी सब्ज़ियाँ हैं वो चलानी रहता है, तो हम लोगों को देसी सब्जी उगाना था। वैसे तो प्लेस बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जो भी उगाते हैं वो थोड़ा ही सारा था क्वांटिटी में, लेकिन बहुत ही मज़ा आता है। और इस वीडियो को बनाने के थ्रू आप लोग भी, हो सकता है इसको देख करके आप मोटिवेट हो और आप लोग भी अपने घर पे छोटा छोटा सा सब्जी को उगाओ। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपने बगीचे पर, वहाँ से मैं दिखाऊँगा अपना बगीचा और मैंने क्या क्या लगाया, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और कैसे लगाया वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पर। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये रहा मेरा बगीचा का लोकेशन, क्योंकि ये रहा मेरा घर और घर के ऊपर भी ब्लॉग आपको मिलेगा। और यहाँ पे है मेरा भाई अभिषेक। तो अभी मैं देख सकते, ये जो जगह था मेरा वो थोड़ा था खाली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस जगह को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लिया जाए। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको बगीचे के अंदर, वहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको सामान। तो बहुत सारे लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता देता हूँ कि इसको बोलते हैं हम लोग गेंदारी साग, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, एंड ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग मकई। फिर भी मैं दिखाता हूँ और आगे मैं आप लोग को बताऊँगा ताकि कैसे आप लोगों को उगाना एक एक छोटा छोटा जगह पर और अच्छा सा सब्ज़ी, ताकि आपका सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है हम लोगों का भिंडी, और आप भिंडी देख सकते हो कितना अच्छा से हो रहा है भिंडी। यहाँ पे मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पे एक मैंने लगाया था मूली, बट वो मूली हो गया ख़त्म। अब मैं फिर से यहाँ पर लगाया हूँ भिंडी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये है आपका नेनुआ, और नेनुआ में हो चुका है फूल। और ये रहा यहाँ पे धनिया पत्ता, और एक पार मैंने धनिया पत्ता लगाया था जो ख़त्म हो चुका, फिर से अभी मैं लगाया हूँ, ये देख सकते हैं उसका थोड़ा सा बचा हुआ है। और चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और ये रहा नेनुआ का पेड़, सॉरी कद्दू का पेड़, जो कि जा रहा है छत के ऊपर, और कद्दू में होने लगा है फूल, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक फूल, और भी बहुत सारा फूल है यहाँ पर, आपको दिखेगा आगे में वहाँ पर, ये देख सकते हो, मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ आपको। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको नेनुआ का भी, देख सकते हो ये रहा नेनुआ का फूल लग चुका, और इसमें थोड़ा सा नेनुआ हो चुका है गाइस। अब जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे गाइस, कि आपको कैसे लगाना है छोटा सा जगह में आपको, ताकि आपका जो भी आप बीज लगा वो प्रॉपर तरीका से हो। तो इसके लिए सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट होता है कि जो ये मेरा प्लेस खाली था, यहाँ पर आपको क्या कर लेना, सपोज़ करो कि यहाँ पर आपका कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इस प्लेस को आपको पहले एक बुनियादी टाइप का बनाना, और इसमें से जितना भी छोटा छोटा वगैरह पत्थर वगैरह वो सबको निकालने के बाद, आपको सड़ा हुआ मेरे बगल में यहाँ पर खटाल है, तो वहाँ से मैंने लाया था बहुत सारा गोबर, सड़ा हुआ गोबर, और दोनों को मिला करके मैंने उससे पहले खाद टाइप का बनाया। एंड उसके बाद फिर मैंने, आप दिखा देख सकता हो, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने धारी धारी टाइप का बनाया, जो कि मैं अभी आपको आगे से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो इस टाइप का मैंने धारी धारी टाइप का बनाया, और उसमें पहले बेसिकली मैंने पहले उसमें पानी दिया, और आरी बनाने के बाद फिर मैंने पहले पानी दे दिया। पानी इसलिए दिया ताकि वो जो आपका धारी है वो गिरे नहीं बीच देने के टाइम, वो टाइट हो गया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा टाइम बीच दिया। तो गाइस, आपको खाद से रिलेटेड या आपको पेड़ वगैरह से लगाने से रिलेटेड कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे कमेंट्स करें, और इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइस। और आपको ब्लॉग कैसा लगा वो मुझे कमेंट करो, और कोशिश रहेगा आपको डेली ब्लॉग खाने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, बाय।